दोस्तों, आज हम बात करने वाले एक बेहतरीन से प्लान के, जैसा कि आपने स्क्रीन पर हमारा थंबनेल देखा होगा, इसी मोड को डिस्कस करने वाले हैं। काफी खूबसूरत प्लान है दोस्तों, स्मॉल एरिया का प्लान है। अगर आपके पास कम जगह है तो आप खूबसूरत सा घर बना सकते हैं, जहां पर मैंने एक पोर्च डिजाइन करने की कोशिश की है, जो कि एक हटके मॉडल होने वाला है। इसी मॉडल को डिस्कस करने वाले हैं, जिसका 2D प्लस 3D दोनों मॉडल आज हम बताएंगे। और मैं आपसे अनाउंस करना चाहता हूं कि दोस्तों, मैंने एक smallhouseplan.com नाम की वेबसाइट शुरू की है, जिस पर आप जाकर आसानी से हमारे मॉडल्स के 2D प्लान से देख सकते हैं। वहां पर घर से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी मिल सकती है, जैसे घर बनवाने में कितना खर्च आता है, छत बनाने में क्या खर्च आएगा, कितना सरिया सीमेंट लगने वाला है। सारी डिटेल मैं अपनी वेबसाइट पर अपडेट करता रहता हूं समय समय पर, तो आपको हमारी वेबसाइट पर विजिट जरूर करना चाहिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज के मॉडल को हम आपके सामने डिस्कस करते हैं, इसके लिए मैं ले चलूंगा आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो ये देखिए दोस्तों, एक बेहतरीन सा प्लान आपके सामने मैं लेकर आया हूं, और इस प्लान को हमारे एक सब्सक्राइबर थे वो कमेंट किए थे कि सर मुझे एक ऐसा प्लान दीजिए जो एक बेहतरीन सा और खूबसूरत प्लान हो। तो ये ओवरऑल पूरा प्लान होने वाला है, जिसपे मैंने बाउंड्री वॉल और फ्रंट में एक बेहतरीन सा पोर्च टाइप का डिजाइन दिया है। क्योंकि जगह छोटी है, इस वजह से छोटा पोर्च आपका डिजाइनिंग के तौर पर दिया है। अगर आप भी एक सुंदर सा घर बनाना चाहते हैं तो आप इस मॉडल को कंसीडर कर सकते हैं। अभी पूरा डिटेल हम बात करेंगे, इस मॉडल की लंबाई चौड़ाई क्या है वगैरह, मैं पहले जूम करके आपको इस मॉडल को दिखाना चाहूंगा, जिससे आपको इस मॉडल का रियलिस्टिक व्यू समझ में आ जाए कैसा ये मॉडल बना हुआ है। तो आप देख सकते हैं प्रॉपर तरीके से मॉडल मैंने कैसे क्रिएट किया है। इसका कलर कॉम्बिनेशन भी काफी ठीक ठाक दिया है, जो मुझसे हो सका, क्योंकि कलर का मुझे आइडिया थोड़ा सा कम है। तो इस मॉडल को मैं पूरा डिफाइन करने वाला हूं। देखिए 3 साइड क्लोज है, साइड में और बैक साइड और साइड में, तीनों साइड से मॉडल बंद है, केवल फ्रंट से आपका मॉडल ओपन है। आप देख सकते हैं बेहतरीन तरीके से। बात करते हैं इसके फ्रंट व्यू की, तो ये स्टेयर से यहाँ से ऊपर जाएंगे, ये आपका एक पोर्च टाइप का दोस्तों बना हुआ है। हम ग्राउंड फ्लोर की बात करें, इससे आपको प्रॉपर चीजें समझ में आ जाएं। ये दोस्तों ग्राउंड फ्लोर, जैसे आप यहाँ पर एंट्री करते हैं, ये आपको पोर्च, ये मेन डोर जहां से एरिया पर जाएंगे। ये पोर्च दोस्तों वी शेप में बना हुआ है, दो पिलर पर टिका हुआ है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर एक फ्रंट में विंडो दिया है वेंटिलेशन के लिए। और दोस्तों गांव में खफराइल का जो डिजाइन होता है वो इसको मैंने क्रिएट किया है प्रॉपर तरीके से। हालांकि कलर मैंने यहाँ पर पिंक दे रखा है। जैसे अंदर जाते हैं तो आपको एक लॉन टाइप का मिलता है, जो कि छोटा लॉन है, और आपको स्टेयर्स मिलती है, इसे टर्न होकर बाहर की तरफ आएंगे। इसके बाद इस बेडरूम को एक्सेस करने के लिए मैंने यहाँ से डोर दे रखा है। आप जैसे आगे जाते हैं तो मेन डोर ये है, जहां से आप एंट्री करेंगे। ये आपका छोटा सा आंगन, आंगन को वेंटिलेट करने के लिए विंडो, आप आंगन में जाल जरूर रखवाएं, इससे प्रॉपर वेंटिलेशन आपका घर का हो सके, क्योंकि साइड में वेंटिलेशन की कोई भी संभावना नहीं है। सबसे पीछे ये आपका किचन एरिया दोस्तों मैंने बना दिया है, प्रॉपर तरीके से विंडो और डोर भी दिया है। इस कॉर्नर पर भी आपको एक बेहतरीन सा बेडरूम मिल जाता है, ये आपका लेट बाथ। तो यहाँ पर दो बेडरूम, जो कि बेडरूम का साइज काफी बड़ा है, आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि आपको इस घर में बेडरूम के साइज छोटे या बड़े हैं। इसके लिए आपका किचन का एरिया भी परफेक्ट है। लेट बात थोड़ा सा आपका छोटा हो जाता है, बट इतना भी छोटा नहीं कि काम ना चले, बेहतरीन तरीके से चलेगा। ये आपका डाइनिंग, जिसमें अपने बाइक वगैरह खड़ी कर पाएंगे इसके नीचे। ये एक गेस्ट रूम और फ्रंट एलिवेशन के। तो एक ग्राउंड फ्लोर का मॉडल मैंने आपके सामने डिस्कस किया। अब मैं मैक्सिमम जूम और कर देता हूं, जैसे आपको सारी चीजें क्लियर हो जाए। टॉप व्यू आप देख लें, ऊपर से आपका घर कैसा दिखेगा। दोस्तों अगर आप इसका 2D मॉडल चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट smallhouseplan.com पर विजिट करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके बाद बात करते हैं इसके फर्स्ट फ्लोर की। तो जैसे फर्स्ट फ्लोर पर जाते हैं तो ये जो स्टेयर्स वाला एरिया था, इसी को मैंने बना दिया है, और आगे जो पोर्च था उसको कवर कर दिया है, बाद बाकी सारी चीजें हटा दी हैं और फ्रंट में ग्रिल लगा दिया है। देख सकते हैं चारों तरफ 3.5 फीट का बाउंड्री वॉल मैंने क्रिएट कर दिया है। बात करते हैं तो ये लास्ट फ्लोर पर पूरा डिटेल आपके सामने बनकर रेडी हो जाता है। ये मॉडल काफी खूबसूरत है। बात कर लेते हैं इसके साइज की। तो साइज इसका दोस्तों 24x36 में है, 24x36 फिट पे मकान बना हुआ है। अगर मॉडल हमारा पसंद आया तो आप जरूर लाइक करें। मैं आपको की पॉइंट्स कुछ बताना चाहता हूं।
तो दोस्तों की पॉइंट ये है कि आप हमारे मॉडल्स को आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पर जाकर, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आप हमें टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर भी फॉलो कर सकते हैं, सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। वहाँ पर आप हमसे लाइव चैट भी कर सकते हैं और जो भी आपका मॉडल्स होगा वो आप बनवा सकते हैं। बशर्ते ध्यान ये रखना है, हम दोस्तों पेड सर्विस चलाते हैं और इसके लिए आपको 50% पेमेंट पहले करना होता है, 50 बाद में करना होता है, इसका विशेष ध्यान रखें। तो ओवरऑल मॉडल कैसा लगा हमें ओपिनियन जरूर दें। मैं देखता हूँ दोस्तों काफ़ी लोग ऐसे होते हैं वीडियो देखकर चले जाते हैं बट एक लाइक नहीं करते, प्लीज़ एक लाइक ज़रूर किया करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और आप हमारी वीडियोज़ को देख पाते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक से ज़रूर कर दें।